उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, चित्रकूट जिले का पवा गांव, इसी गांव में रहती हैं बदौलन बाई। बदौलन बाई का घर किसी कोण से झोंपड़ा भी नहीं लगता, तीन तरफ से गिरी दीवारें। बदौलन के पति भूमिहीन मजदूर थे। बुंदेलखंड के सूखे ने उनके पति का रहा सहा रोजगार भी छीन लिया। पूरा परिवार भुखमरी की चपेट में आ गया। आखिरकार बदौलन के पति को आखिरी बार भूख लगी। परे रहे इतना भूखे पिया से, कोई खाना ना दिन, घर मा ना रहो, मांगो चिंगो ना मिलो, हार ना रहो, घर ना रहो, भूखे पिया से परे डरे रहन, और तबियत बिगड़ गई। सो यही तना महीना 15 रोज में भूखे पिया से आसमान लिया कि जाना मर गए, को बंदा बंदा नहीं रखा। पिता के मौत के बाद बदौलन का बड़ा बेटा दिमागी संतुलन खो बैठा। छोटा बेटा दिल्ली जाकर रिक्शा चलाने लग गया। गांव में बची रही तो बदौलन अपनी भूख के साथ जूझती हुई। अब गांव वाले दया से उसे और उसके बेटे को खाने को कुछ दे देते हैं। दीना न को सुनो आना, पैसा मिले आना, गल्ला मिलो आ, इतने दिन होएगी सब राज काज होत दुनिया में। भूख से जूझ रही पवा गांव की बदौलन अकेली नहीं है। चित्रकूट के पाठा इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां के बच्चों को चौलाई यानी खर पतवार से मिली हुई रोटी खानी पड़ रही है। घर में आटे की कमी है, लेकिन भूखों की पेट का क्या करें। जंगली खर पतवार मिलाकर खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। सिलबट्टे पर चौलाई कूट कर आटे में मिलाया जा रहा है, रोटियां तैयार की जाती है। देखने में ये पालक पराठे सरीखा है, लेकिन घास की रोटी मूलतः घास की रोटी होती है। दिल्ली जैसे महानगरों में मॉल्स में घूमते हुए बच्चे आइसक्रीम और फिल्में देखते हुए मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न और कोक के कॉम्बो ऑफर पर न जाने कितना खर्च कर देते हैं, लेकिन गांव के इन भूखों के लिए कुछ उपाय तो जरूरी है। जाहिर है भोजन का अधिकार कानून घास की रोटी खा रहे इन बच्चों के लिए भी जरूरी है, और हर गांव में मौजूद बदौलन बाई जैसी वंचित, कमजोर और दलित तबके की महिलाओं के लिए भी। मौज मजे के लिए पॉपकॉर्न खाने के आदि हो रहे देश की आबादी के लिए पाठा इलाके की घास की रोटी हो या भूख से बेहाल बदौलन बाई का किस्सा, ये दिल दहलाने वाला तो होगा ही। लेकिन इस दिशा में खाद्य सुरक्षा कानून शायद एक मिसाल बन सकता है। इस कानून के जरिए फिर कहीं किसी बदौलन का परिवार नहीं उजड़ेगा। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, चित्रकूट।